हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। बहुत सारे इलाज आपने सुने होंगे घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए, घुटनों के अंदर ग्रीस को दोबारा पैदा करने के लिए। घुटनों के अंदर ग्रीस को क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूड या फिर कुशन कहा जाता है, कार्टिलेज कहा जाता है। ये कुशन, ये कार्टिलेज जब घिस जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। साइनोवियल फ्लूड जब ये खत्म हो जाता है तो घुटने आपस में ही घिसने लगते हैं। जब हम चलते हैं या फिर कोई भी मूवमेंट करते हैं उस टाइम ये ज्यादा घिसते हैं, आपस में टकराते हैं और दर्द भी होता है और सूजन भी आ जाती है। तो इससे सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं जो आज आपको इलाज बता रही हूं वो 95% तक इस चीज का इलाज है कि जिनके घुटनों में दर्द रहता है, साइनोवियल फ्लूड यानी जिसे आम बोलचाल की भाषा में ग्रीस कहा जाता है, वो दोबारा बन जाएगी। अगर आपको भी डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आप अपने घुटने चेंज करवा लीजिए क्योंकि आपके घुटनों में तो जो ग्रीस है वो खत्म हो चुकी है, जो फ्लूड है वो खत्म हो चुका है और आप जब चलते हैं तो घुटनों में लचक पड़ती है, ऐसे लगता है कि अचानक से आप गिर जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसके अलावा वीडियो में बताई गई जो चीज है, जो नुस्खा है, जिनके भी जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको भी एनर्जी की कमी है, इसके अलावा जिनके भी खून की कमी है शरीर में, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जिनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये फॉर्मूला उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। तो जानते हैं हमने इसे कैसे बनाना है। तो बनाने के लिए आप एक चीज को देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि इनको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए और इसे हमने बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, यानी ये कहा जाता है कि इसके अंदर मांस यानी मीट से भी ज्यादा ताकत है। तो आपने वॉलनट यानी अखरोट का सेवन करना है, सिर्फ 2 अखरोट लेने हैं। और एक बात आपको और बता दूं, जो भी लोग 25 साल या फिर 26 साल के हो चुके हैं उनको अपनी डेली डाइट में अखरोट यानी वॉलनट जरूर शामिल करने चाहिए ताकि इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी उनको घुटनों का दर्द नहीं सताए। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ 2 अखरोट लेने हैं। इसके अलावा आपने 5 से 6 किशमिश ले लेनी है। आपने 1 गिलास दूध लेना है और दूध को आपने पैन में डाल देना है, यानी हमने दूध को गर्म करना है। इसके अंदर आपने 2 अखरोट और 5 से 6 किशमिश भी बीच में डालकर उबाल लेनी है। अब आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करना है, सिम फ्लेम पर, बहुत तेज फ्लेम पर बॉईल नहीं करना। उसके बाद जब दूध को उबाला आ जाए उसके बाद आपने इसके अंदर गुड़ मिक्स कर सकते हैं, आप इसके अंदर मिठास के लिए मिश्री मिक्स कर सकते हैं। ये न केवल घुटनों के दर्द को दूर करता है, हमारी बॉडी में कमजोरी को दूर करता है, खून की कमी को दूर करता है, बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करता है। तो आपने रोजाना इसका सेवन नाश्ते में करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे परहेज बताने जा रही हूँ जो आपके लिए काफी फायदेमंद है जानने। सबसे पहली चीज, आप खट्टी चीजों का सेवन कम कीजिए। खट्टी चीजें खाने से घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या फिर हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या हो ज्यादा होती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, उन्होंने कौन सी चीज को फॉलो करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है और जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, उन्हें इतना पसंद करते हैं, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।